हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हों। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है फेशियल एट होम। तो गाइस, फेशियल घर पे कैसे करें, सही तरीके से करिए और फेशियल किट कौन सा यूज़ करें। तो गाइस, लोटस का आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है। तो गाइस, मैं हम यूज़ कर रही हूँ लोटस हर्बल वाइट ग्लो फिटनेस फेशियल किट, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इसकी जो प्राइस है वो 250 है, आपको मार्केट में मिल जाएंगे आराम से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस बॉक्स में मुझे 4 पाउच मिलते हैं, आप देख सकते हो। एंड मैंने इसे यूज़ किया था तो मैंने सेलोटेप साइड में लगा के रखा हुआ था अच्छे से, ताकि वो सूखे ना, ख़राब ना हो। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो गाइस, इस बॉक्स में हमें 4 पाउच मिल जाते हैं। स्टेप 1 जो होता है वो क्लिनजिंग मिल्क से स्टेप 1 है। एंड स्टेप 2 स्क्रब है। स्टेप 3 मसाज क्रीम। स्टेप 4 जो है वो है मास्क से। तो गाइस, अच्छे से इसे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है चलिए मैं वीडियोस में बताती हूँ। तो गाइस, पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्लिनजिंग मिल्क लोटस हर्बल का। आप देख सकते हो, ये मेरी बड़ी मॉम है। एंड गाइस, इन्होंने पहले फेस वॉश कर लिया था। अब फेस वॉश से फेस क्लीन कर ले या फिर वाइप आउट कर ले, अच्छे से फेस को क्लीन करके उसके बाद ही आप कुछ अप्लाई करें। तो वैसे पहले मेरी बड़ी मम्मी ने फेस वॉश कर लिया था, उसके बाद में यहाँ पे क्लिनजिंग मिल्क से आप कैसे देख सकते हो कि मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से इसे अप्लाई करके मसाज करना है हल्के हाथों से, स्पीड नहीं करना है, हल्के हाथों से हमें अपने हमारे फिंगर टिप से की हेल्प से हमें मसाज करना है। आप देख सकते हो, ये डीपली क्लीन करता है फेस को। गाइस, क्लिनजिंग मिल्क जो है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप क्या करोगे, आपको करना ये है कि आप फिर से थोड़ा सा ले लो, आप अपने अकॉर्डिंग ले लो जितना आपको लगाना है। उसके बाद थोड़ा सा ही लेना, ज़्यादा नहीं, अपने हाथों से उन्हें लेके अच्छे से मसाज करना है। हमें थोड़ा सा पानी भी लगाना है अच्छे से मसाज करने के लिए। आप देख सकते हो कि मैं कैसे मसाज कर रही हूँ, ऐसे जितने भी डस्ट वगैरह होंगे सारे रिमूव हो जाएंगे, आप देख सकते हो। तो गाइस, ऐसे हमको हल्के हाथों से नोज़ के पास, आँखों के पास, पूरे फेस में सर्कुलर मोशन में मसाज करने हैं। आप देख सकते हो कैसे कर रही हूँ, एकदम हल्के हाथों से करने, एकदम धीरे धीरे। आपके क्लाइंट जो है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, आराम फील हो, आराम आराम लगे। तो आप देख सकते हो, एकदम हल्के हाथों से करना है। मैंने वीडियो थोड़ा सा स्पीड कर दिया था। एंड गाइस, आप देख सकते हो कि मैं कैसे मसाज कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है अच्छे से। उसके बाद मैं वाइप आउट कर दूँगी। आपके पास अगर वाइप अवेलेबल नहीं है तो आप सूती के रुमाल से भी कर सकते हो। वाइप आउट मैं कर रही हूँ अच्छे से, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो गाइस, की फेस कितना अच्छे से क्लीन हो चुका है। सेकेंड स्टेप जो है वो है स्क्रब। मैं यहाँ पर अभी स्क्रब यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपने फिंगर टिप्स पे स्क्रब ले लिया है। अब मैं अप्लाई करूँगी फेस पे। आपको स्क्रब डायरेक्टली पूरे फेस पे नहीं लगाना है गाइस। आप देख सकते हो कि मैं कैसे लगा रही हूँ। मैं फोरहेड से जा रही हूँ, अच्छे से फेस पे लगा देना है, नोज़ पे। एंड गाइस, आँखों की तरफ हमें स्क्रब नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। एंड गाइस, हल्के हाथों से स्क्रब करना है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मैं कैसे स्क्रब कर रही हूँ। ज़्यादा जोर देके स्क्रब नहीं करना है और स्पीड में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, धीरे धीरे करें। मैंने वीडियो को स्पीड कर दिया था, तो आप देख सकते हो मैंने क्लिनजिंग जो किया था वो 3 से 4 मिनट किया था। स्क्रब भी हम 3 से 4 मिनट ही करेंगे, ज़्यादा देर हमें नहीं करना है स्क्रब। एंड गाइस, धीरे धीरे करना है, वरना हमारी स्किन जो इरिटेट हो जाएगी ज़्यादा ज़ोर से स्क्रब करने पे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, धीरे 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 सर्कुलर मोशन में आपको स्क्रब करना है। आप देख सकते हो कि मैं कैसे कर रही हूँ। एंड गाइस, आप देख सकते हो कि मैं कैसे कर रही हूँ। अगर आप ज़ोर से स्क्रब करोगे तो स्किन में क्या होगा, वो छिल जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थोड़े थोड़े स्क्रब जो है लोटस का, उसमें स्क्रब का जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बड़े बड़े हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, हल्के हाथों से करें। एंड गाइस, स्क्रब जो है वो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को रिमूव करता है और आपको टैनिंग वगैरह हो जाती है उससे भी रिमूव कर देता है। गाइस, जितने भी डट्स है स्किन में वो सारे रिमूव कर देता है स्क्रब। एंड गाइस, देख सकते हो कि मैं कैसे कर रही हूँ, वैसे ही करना है आपको भी। आप नेक पे भी लगा सकते हो।
तो गाइस आप नेक पे भी और ईयर पे भी लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ। नोज के पास वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा होते, तो वहाँ पे मैं अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ, आप देख सकते हो हल्के हाथों से। तो गाइस अब मैंने अच्छे से स्क्रब कर लिया, उसके बाद मैं वाइप आउट कर रही हूँ, आप देख सकते हो। इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है, एक भी मतलब अपने क्लाइंट को फेस से धुलवा दो अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे मसाज क्रीम यूज़ कर रही हूँ, एंड गाइस मैं यहाँ पे अच्छे से मसाज कर रही हूँ, आप देख सकते हो। मैंने जब अप्लाई किया था वो क्लिप जो मुझे नहीं मिला, उसके बाद मैंने आधा क्लिप मिला तो मैंने वही एडिट कर दिया, तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे मसाज कैसे कर रही हूँ। एकदम हल्के हाथों से मसाज करना है हमें, मसाज करने से हमारी स्किन में एकदम रिलैक्स फील होता है, आप देख सकते हो। इससे हमारी स्किन में जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हमारी स्किन जो ब्राइट हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है। मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, मसाज करने से हमारी स्किन में जो झुर्रियाँ पड़ने लगती है वो झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, तो गाइस स्किन का एक्सरसाइज भी हो जाता है अच्छे से मसाज करने से, आप देख सकते हो। बहुत ही रिलैक्स फील होता है मसाज करते समय क्लाइंट को, एंड मेरी बड़ी मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा था मसाज करके। तो गाइस आप देख सकते हो क्योंकि ऐसे मसाज कर रही हो, हमेशा आप सर्कुलेशन मोशन में ऊपर की तरफ जाना है, या फिर आपको मसाज करते समय ऊपर की तरफ जाना है। आप देख सकते हो मैं इसे वाइप आउट कर रही हूँ, क्योंकि गाइस हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वैसे झुर्रियाँ पड़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं, एंड गाइस इसे हम वाइप आउट कर लेंगे अच्छे से। मैं अच्छे से वाइप अप कर चुकी हूँ, और गाइस 7 दिनों के अंदर ही आपको ग्लो दिख जाएगा अपने फेस पे। एंड गाइस फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मास्क, आप देख सकते हो अच्छे से अपने उनके फेस पे, क्लाइंट के फेस पे लगा देना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं हाथ से लगा रही हूँ, क्योंकि ब्रश से यूज़ करने से ज़्यादातर ब्रश ही सोख लेता है, इसलिए मैं हाथ से लगा रही हूँ अपने फिंगर से। तो मैंने पूरा अच्छे से अप्लाई कर दिया, आप देख सकते हो। आप चाहो तो आप ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे ऐसे ही। गाइस आँखों पे नहीं लगाना है हमें, आप देख सकते हो मैंने कैसे लगाया। तो गाइस आप देख सकते हो कि कहीं कहीं लगा हुआ है, तो वैसे अच्छे से लगा रही हूँ उनके फेस पर, आप देख सकते हो। लिप्स पे भी नहीं अप्लाई करना है। इसे हम 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे ऐसे ही, उसके बाद हम इसे रिमूव करेंगे। तो गाइस चलो छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट। तो गाइस 15 मिनट हो चुके, मैंने 15 मिनट छोड़ा था, उसके बाद मैं वाइप आउट कर रही हूँ, आप देख सकते हो। अच्छे से इसको क्लीन कर देना है, रिमूव कर देना है पूरा। एंड गाइस जल्दी जल्दी मत करना, आराम से ही रिमूव करना। एंड गाइस आप देख सकते हो इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया हुआ है। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि ऐसे ही मेरे चैनल पर नए नए वीडियोस आते रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। इस आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।